25 सितंबर राजस्थान में कांग्रेस में उठा पटक की राजनीति का बड़ा दिन बन गया है। ऐसा दिन जिसकी हलचल की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पिछले साल 25 सितंबर की, जब पार्टी आलाकमान की ओर से बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर 80 से ज्यादा विधायक स्पीकर को इस्तीफा देने पहुंच गए थे। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब प्रदेश से गुजरे, तब उन्होंने पार्टी में हुई फाड़ को भी जोड़ने की कोशिश कर ली होगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासम खास और प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी के पास दो पदों में से एक सरकारी मुख्य सचेतक पद के इस्तीफे के बाद नेताओं की बयानबाजी से कांग्रेस की सियासत फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जोशी के इस्तीफे के पीछे एक व्यक्ति एक पद और 25 सितंबर की घटना पर कार्रवाई का परिणाम बताया है। रंधावा के बयान के बाद सरकारी मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने वाले महेश जोशी ने संकेतों में अपनी बात कहते हुए पायलट खेमे के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हुए दोनों खेमों के बीच हो रहे विवाद को हवा दे दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा रंधावा और महेश जोशी ने। देखिए, वो हाईकमांड ने करनी है, मेरे पास अगर हाईकमांड से मेरे से पहले का केस है जो कार्रवाई का है, सभी जो कार्रवाई है जो जिन की शिकायतें हैं वो हाईकोर्ट के पास है, जब आ जाएगी मैं कार्रवाई कर लूँ। अपनी तरफ से रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, क्योंकि मेरे से पहले का केस है हाईकोर्ट के पास, पहले सितंबर और जो पहली बातें हैं वो हाईकोर्ट मेरे आने से पहले जो मेरे टाइम में होगी वो मैं हाईकोर्ट को लिखकर भी भेजूँगा, और वो मेरे पास जो है इमीडिएटली एक्शन करने वालों में अपने आप एक्शन भी कर। सर, महेश जोशी को कल जो हटाया गया है एक पद से, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या ये उस कार्रवाई का परिणाम है या एक व्यक्ति एक पद का है? देखिए, वो कार्रवाई का भी है और जो दो पद है उनका भी है, तो बाकी जो बाकी दोनों और भी करेंगे जो पहले मेरे पास था, एक पद रहना चाहिए वो मैंने कर दिया। सर, इसमें बाकी के नेता ये भी कह रहे हैं कि बाकी का क्या होगा, जो बाकी बचे हुए नेता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप जाकर हाईकोर्ट से डीएससी जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उनसे बात करें। मैं तो अक्टूबर महीने से कहता आ रहा हूँ कि भाई मुझे एक पद से मुक्ति दी जाए, जब आपने मुझे मंत्री बना दिया तो दोहरे जिम्मेदारी संभालने में की बजाय मैं एक तरफ कंसंट्रेट करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो भी परिस्थिति थी, मैंने इस्तीफा दिया, उस हाईकमान ने मंजूर किया, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया और रंधावा साहब ने इसे कार्रवाई का हिस्सा माना। मुझे खुशी है इस बात की कि कार्रवाई भी हो गई, मेरी इच्छा पूरी भी हो गई और मुझे इंतजार है कि भाई जिन लोगों की और शिकायतें रही पार्टी को कमजोर करने की, ये पार्टी की नहीं बातों को, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अब मुझे ही नहीं बाकी सबको भी इंतजार रहेगा उन पे भी क्या कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई हो और सब कार्यकर्ताओं में बराबरी का संदेश है। प्रेशर था इस्तीफा देने का? कोई प्रेशर नहीं, मैं प्रेशर से काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे तो हाईकमान की इच्छा का पहले पता लग जाता, मैं तो उसी क्षण मुझे अगर हाईकमान की इच्छा का यही पता लग जाए कि मेरे से इससे आगे भी कोई कुछ और चाहते हाईकमान चाहता है, मुझे उनकी आदेश की पालना करने में खुशी होगी। हालांकि रंधावा ने यह कहकर बचाव की कोशिश भी की कि 25 सितंबर का मामला उनके प्रदेश प्रभारी पद से नियुक्ति के पहले का है, इसीलिए आलाकमान जो भी निर्देश देगा वही कार्रवाई करेंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या आलाकमान के निर्देश पर ही महेश जोशी ने एक पद छोड़ा है? विरोधी खेमा तो ये भी सवाल उठा रहा है कि यदि ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है तो फिर जोशी को जलदाय मंत्री क्यों रहने दिया गया? और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार अन्य दो नेता नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ अपने पदों पर क्यों बने हुए हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि प्रदेश प्रभारी ने ये भी माना कि नेताओं के बीच मनमुटाव है, उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की नाराजगी को केवल मीडिया की बातें कहते हुए रंधावा ने कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही सचिन पायलट ने एक साक्षात्कार में 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में नोटिस पाने वाले तीन नेताओं के खिलाफ
कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए थे। समझा जाता है कि पायलट के तेवर के बाद ही आलाकमान ने जोशी से एक पद पर इस्तीफा लिया है। पायलट ने यही सवाल उठाया था कि गहलोत समर्थक विधायकों ने इस दिन जिस तरह से दबाव की राजनीति की, उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा स्पीकर की ओर से हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे मिले थे और कुछ ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफे सौंपे थे। हलफनामे में ये भी कहा गया कि कुछ विधायकों के इस्तीफे फोटोकॉपी थे और बाकी को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वे विधायकों ने अपनी मर्जी से नहीं दिए थे। दबाव में किए गए इस्तीफों को स्वीकार करने से स्पीकर मना कर सकते हैं। हलफनामे में भी यही बात कही गई थी कि ये इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि विधायकों ने अपनी मर्जी से नहीं दिए थे। पायलट ने यही सवाल अपने साक्षात्कार में उठाया था, इस्तीफे विधायकों ने अपनी मर्जी से नहीं दिए तो ये किसके दबाव में दिए गए थे? क्या कोई धमकी थी, लालच था या दबाव था? ये एक ऐसा विषय है जिस पर पार्टी की ओर से जांच किए जाने की जरूरत है। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत सरकार के रिपीट होने का दावा करते हुए मिशन 156 का ऐलान कर चुके हैं, वहीं प्रदेश का सियासी पारा लगातार चढ़ता उतरता जा रहा है। कभी खेमों में बटी पार्टी में सियासी सन्नाटा दिखता है तो एकाएक चाय के प्याले में तूफान की नौबत आ जाती है। विधानसभा के बजट सत्र के बीच में ही प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बनाने के बाद भाजपा में भी नए नेता को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस में अगले दिनों में क्या नया होने वाला है, इसका सभी को इंतजार है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।